बॉलीवुड फिल्मों में हमने कई बार झगड़े देखे हैं, लेकिन ये भी सच है कि बॉलीवुड में ये झगड़े सिर्फ बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी होते हैं। इनफैक्ट पर्दे से ज्यादा झगड़े तो पर्दे के पीछे होते हैं। और कई बार हमने सुना है कि सेट पर दो एक्टर्स के बीच में लड़ाई हो गई, दो एक्ट्रेसेस के बीच में कहासुनी हो गई, मन मुटाव है, बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक किस्सा तो ऐसा है जो बॉलीवुड में बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये किस्सा वो है जब अपनी फिल्म की एक एक्ट्रेस को एक डायरेक्टर ने थप्पड़ लगा दी थी, वो भी तब जब वो एक्ट्रेस एक बड़े खानदान से बिलोंग करती थी। तो आज कब की और कैसे में मैं आपको वही किस्सा बताने वाली हूं। ये बात है तब की जब एक्ट्रेस शोभना की बेटी तनुजा बॉलीवुड में डेब्यू कर रही थी। शोभना जो खुद एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी, उनकी बेटी नूतन ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रही थी और अब धीरे धीरे तनुजा भी इंडस्ट्री में आ रही थी। इसी दौरान तनुजा ने शोभना की ही एक फिल्म छबीली में काम किया। इस फिल्म में काम करना उनके लिए घर जैसे माहौल वाली बात थी, क्योंकि जो लोग उनके साथ घर में रहते थे वही लोग सेट पर भी रहते थे, यानी कि उनकी मॉम शोभना और उनकी बहन नूतन। इसीलिए इस फिल्म के दौरान तनुजा को फील ही नहीं हुआ कि वो काम कर रही है या काम क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है। इस फिल्म से उन्हें इस बात का एक्सपीरियंस ही नहीं मिला। इस फिल्म के बाद तनुजा ने एक बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया। इस डायरेक्टर को क्रेडिट जाता है मधुबाला, माला सिन्हा जैसी एक्ट्रेसेस को लॉन्च करने का। केदार शर्मा की यहाँ पर बात हो रही है और उनके साथ फिल्म कर रही थी तब तनुजा, हमारी याद आएगी। अब जब भी केदार शर्मा फिल्म को शूट करने के लिए सेट पर हुआ करते थे तो उनका एक सिस्टम था काम करने का। बहुत ही डिसिप्लिन लवर आदमी थे वो, और कोई भी अगर सेट पर इधर उधर ऐसे ही मस्ती करते नजर आता था तो वो उन्हें जरा भी पसंद नहीं आता था। इधर अगर बात करें तनुजा की, तो उनके अंदर स्टारडम कूट कूट कर भरा हुआ था। उनकी मॉम बहुत पॉपुलर थी, उनकी बहन ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम कर रही थी, तो तनुजा अपने आप को वैसे ही फिल्म का स्टार समझ रही थी। एज अ एक्टर उन्हें इस फिल्म में किस तरह से रहना है, कितनी सीरियसनेस रखनी है, सेट पर क्या बर्ताव होना चाहिए, इसकी उन्हें 1% भी नॉलेज नहीं थी। केदार शर्मा ने कुछ दिनों तक तनुजा का ये पूरा नज़ारा देखा। एक दिन ऐसा हुआ कि तनुजा को एक सीन करना था जिसमें उन्हें रोना था। सीन के लिए सारे कैमरा सेटअप क्रू सब कुछ तैयार था। तनुजा को जैसे ही सीन करने के लिए बुलाया जाए तो तनुजा उसी मस्ती के माहौल में, उनसे वो सीन हो ही नहीं रहा। केदार शर्मा ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की तो तनुजा ने कोशिश ही नहीं की, इनफैक्ट वो इस पूरे सीन के दौरान हंसती रही और एंड में ये कहकर टाल दिया कि आज मेरा रोने का मूड नहीं है। तनुजा की ये बात केदार शर्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एज एन एक्टर तनुजा को अगर वो तब सबक नहीं देते तो शायद तनुजा का इंडस्ट्री में इतना बड़ा करियर नहीं होता। ऐसा क्या किया था उस दिन केदार शर्मा ने? एक्चुअली तनुजा की इस बात पर केदार शर्मा ने तनुजा को थप्पड़ लगा दिया। ऑलरेडी केदार शर्मा तनुजा की मॉम को अच्छे से जानते थे और उन्हें पता था कि जब वो बताएंगे कि उन्होंने उनकी बेटी को थप्पड़ क्यों लगाया तो शायद तनुजा की मॉम भी इस बात से अग्री करेगी। वो तनुजा जो सीन के लिए नहीं रो पाई, वो केदार शर्मा की उस थप्पड़ से रो गई और उसके बाद वो अपने घर चली गई। घर जाकर उन्होंने अपनी एक्ट्रेस मॉम को पूरा वाक्य बताया, ये सोचते हुए कि मॉम अभी मेरे साथ उठकर चलेगी सेट पर और केदार शर्मा को फटकारेगी। तनुजा की मॉम ने ऐसा किया भी। वो तनुजा को लेकर फिर से फिल्म के सेट पर पहुंची और केदार शर्मा से मिली और तब उन्होंने केदार शर्मा के सामने तनुजा को एक और थप्पड़ लगाया। तनुजा और रोई और फिर शोभना ने कहा कि अब ये रो रही है, आप इस सीन को अभी शूट कर लो। उस दिन तनुजा को समझ आया कि उनकी गलती क्या थी। भले ही उनके आसपास या वो कितने ही बड़ी स्टार फैमिली से क्यों ना हो, जब आप अपने सेट पर होते हो तब आपको उसी तरह से काम करना है जिस तरह से बाकी के लोग करते हैं। यही प्रोफेशनलिटी तनुजा ने अपने इनिशियल करियर में समझ ली थी, तब जाकर वो इंडस्ट्री की इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस बनी। और शायद यही नॉलेज उन्होंने अपनी बेटी काजोल को भी दी, जो है तो बड़ी चुलबुली, जो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती है लेकिन अपने काम को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही माहिरियत से करती है। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड टिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड टिकाना।